पटना में दशहरा को लेकर अभी से ही सभी प्रकार की तैयारियां शुरू हो गई है। साथ ही दशहरा कमेटी ने इस बार भी धूमधाम से रावण बद्ध कार्यक्रम करने का फैसला किया है। विजयादशमी के मौके पर 24 अक्टूबर को इस बार पटना के गांधी मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस बार दक्षिण भारतीय परिधान में रावण नजर आएगा। दशहरा कमेटी की माने तो इस बार 70 फीट के रावण का जहां पुतला तैयार होगा, वहीं पर 65 फीट का मेघनाद और साथ ही 65 फीट ऊंचा कुंभकर्ण का पुतला बनेगा। हालांकि इस बार कमेटी ने बाहर के कारीगरों को मौका नहीं दिया है और बिहारी कारीगर ही पुतले को तैयार करेंगे। बता दें कि पिछली बार रावण दहन के पहले रावण का पुतला तेज हवा के कारण गिर गया था और काफी ज्यादा अफरा तफरी भी मची थी, जिसको लेकर इस बार कमेटी पहले से सतर्क है और कारीगरों को सख्त हिदायत भी दी गई है। हालांकि पुतला बनाने वाले कलाकार सभी मुस्लिम रहेंगे, जिनके द्वारा अगले 4 दिनों में पुतला बनाने का काम शुरू हो जाएगा और रावण मेघनाद और साथ ही कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि पिछले साल से इस बार बृहद आयोजन की तैयारी की जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी जिला प्रशासन ने रणनीति बना ली है, यानी कि आतिशबाजी से लेकर पुतले और भीड़ को लेकर जिला प्रशासन के साथ कमेटी की जल्द ही बैठक होगी और फाइनल रूपरेखा भी दिखने लगेगी। पुतले को बनने के बाद इसकी बार्निश की जाएगी और उस पर प्लास्टिक का कवर भी चढ़ाया जाएगा। ऐसे में बारिश होने पर भी तीनों पुतले गलेंगे नहीं और रावण वध के दौरान यह धू धू कर जल जाएंगे। रावण वध समारोह के दौरान इको फ्रेंडली पटाखे के विस्फोट से दशानन का पुतला जलेगा और इसी तरह से मेघनाद और कुंभकर्ण को भी जलाया जाएगा। पटाखे कोलकाता से मंगवाए जाएंगे, साथ ही इस तरह से पुतले को खड़ा किया जाएगा कि तेज आंधी में भी गिरे नहीं। इसी तरह से दशहरा महोत्सव के दौरान रामलीला का भी लोग लुफ्त उठा सकेंगे। कमेटी चेयरमैन ने कहा है कि वृंदावन से आए आर्टिस्टों के द्वारा पटना में 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जो कि पटना के नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में होगा। एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि पटना में दशहरा को लेकर अभी से ही सभी प्रकार की तैयारियां शुरू हो गई है। साथ ही दशहरा कमेटी ने इस बार भी धूमधाम से रावण वध कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। विजयादशमी के मौके पर 24 अक्टूबर को इस बार पटना के गांधी मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस बार दक्षिण भारतीय परिधान में रावण नजर आएगा। दशहरा कमेटी की माने तो इस बार 70 फीट के रावण का जहां पुतला तैयार होगा, वहीं पर 65 फीट का मेघनाद और 65 फीट ऊंचा कुंभकर्ण का पुतला बनेगा। हालांकि इस बार कमेटी ने बाहर के कारीगरों को मौका नहीं दिया है और बिहारी कारीगर ही पुतले को तैयार करेंगे। बता दें कि पिछली बार रावण दहन से पहले रावण का पुतला तेज हवा के कारण गिर गया था और काफी ज्यादा अफरा तफरी भी हुई थी, जिसको लेकर इस बार कमेटी पहले से सतर्क है और कारीगरों को सख्त से सख्त निर्देश भी दिए हैं।